हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं, और जब मैं डाउट सेशंस लेता हूँ पेड ग्रुप्स में, तो वहाँ पे भी मेरे पास सिमिलर काइंड ऑफ क्वेरीज आती हैं। तो मुझे लगा एक वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। देखो, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होगा, वो होगा रिवीजन जो आपने पिछले महीनों में पढ़ा है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनमें दो दो तीन तीन मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, एक PYQ मॉक दे लिया, एक न्यू मॉक दे लिया, और उसके बाद भी मॉक में स्कोर कम आता है तो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मॉक में अच्छा स्कोर आ जाए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर एक और मॉक देते हैं, अगर कम आया तो सोचते हैं कि अगला मॉक दूंगा तो उसमें मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, या फिर ज़्यादा आया तो लगता है कि अगला मॉक दूंगा तो और ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए मॉक्स देने से पहले, और मॉक्स का पर्पज़ क्या होता है वो भी समझना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी रहती है, क्या सिर्फ मॉक्स से कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है? मैंने उन भैया को सुना था, वो सिर्फ मॉक्स देते थे, उन्हीं से उनका सिलेक्शन हो गया, तो क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है? कितने मॉक्स देने चाहिए दिन का? ठीक है, सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। मॉक्स का पर्पज़ सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप एग्ज़ाम डे वाले दिन एग्ज़ाम देने बैठें तो आप हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी रहें। इजी पेपर आ जाए तो भी आप अच्छे से कर पाएँ, मॉडरेट आए तब भी, और डिफ़िकल्ट आए तब भी अच्छे से कर पाएँ। आप कहीं भी फंसे ना क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो उस पे स्टक ना हो। आपको हैबिट में होना चाहिए ये चीज़ कि हाँ, इस तरीके से पेपर आता है, यू मस्ट बी रेडी फॉर डैट हर तरह की सिचुएशन के लिए। दूसरा मॉक का पर्पस ये होता है कि अगर आप जब मॉक देते हैं तो आप बहुत बड़े टैलेंट पूल के साथ कंपीट कर रहे होते हैं, मतलब कहने का, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अकेले कर रहे हैं, लेकिन जब आप मॉक देते हैं तो लाखों बच्चे मॉक्स में अपीयर होते हैं, तो आपको अपनी प्रेजेंट लेवल पता चलता है, प्रिपरेशन कहाँ पे आपकी स्टैंड करती है, उसके बेसिस पे आप उसका एनालिसिस करके अपने वीक एरियाज को समझते हैं और उस पर काम करते हैं, या फिर आपको ये पता चलता है कि प्रिपरेशन आपकी कम है या ज़्यादा, उसी बेसिस पे आप आगे के डिसीजंस भी लेते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस आपको मॉक से पता चलती है। लेकिन अगर आप दिन का तीन तीन चार चार मॉक दे रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन और लर्निंग पे देना चाहिए। दिन का अगर आप एक मॉक भी दे लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट रहता है। एग्ज़ाम से पहले आपने अगर 30-40 मॉक भी अच्छे तरीके से दे लिए टीयर बन के, दैट आर इनफ। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने 200-200 300-300 मॉक लगा लिए और उनका स्कोर अभी भी 120-125 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आपको मॉक्स से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको चीज़ें नहीं आती इसलिए आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं कर रहा, और ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा मॉक्स दे लेंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। आपको पहली चीज़ें अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए, अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें आपको आती होंगी तभी आप मॉक में परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो हमने क्या करा, 20 मॉक बनाए, 20 में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा कि चलो मैथ्स के अगर 20 मॉक मैंने बनाए तो 500 क्वेश्चंस उसके अंदर आ गए। क्या 500 क्वेश्चन में हर एक टाइप इंक्लूड किया जा सकता है जो भी SSC में पूछा जाता है, सारे चैप्टर का मिला के? नहीं किया जा सकता। ठीक है, 500 क्वेश्चन से ये हो सकता है कि मैं आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूं, लेकिन वो तब होगा जब मैं उसमें सिर्फ अच्छे अच्छे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि जिसमें एक क्वेश्चन में तीन चार तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो जाएं, तो वो आपके बेनिफिट है। लेकिन वो मॉक्स में अगर इस तरीके से डालेंगे तो आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ होती है। और ऐसी अगर इंग्लिश में बात करूँ तो 500 क्वेश्चन में तो 500 वोकैबुलरी के वर्ड भी कवर नहीं होंगे, तो कैसे तैयारी हो सकती है? नहीं हो सकती। GK में 500 MCQ करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप 2000 या 20,000 MCQ कर लेते हैं तब भी कोई गारंटी नहीं होती। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी होती है, उसके बाद MCQ वगैरह आप करते हैं, तो उसका भी कोई पर्पस नहीं हुआ मॉक से कुछ फ़ायदा। सेम गोज विद रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें होती हैं, सीरीज में कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी भी लॉजिक पे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए PYQ की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है। ज़्यादा मुश्किल सीरीज मॉक में अगर डाल दी जाए तो फिर आपके लिए वो पेपर अनडूएबल होता है, क्योंकि गिवन टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मॉक्स का पर्पस क्या है? सिर्फ आपको आपका प्रेजेंट लेवल बताना, ठीक है, ये बताना कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई है और एग्ज़ाम में प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है। दिन में अगर आप तीन तीन चार चार मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें एक तो आपकी रिवीजन लैक हो रही है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है एक तो आप वो बोल रहे हैं, तो उससे ओवरऑल आपका स्कोर डिक्रीज ही कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है आपका थोड़ा बेटर हो जाए, लेकिन ओवरऑल आपकी लर्निंग जितना आप उस टाइम में रिवाइज कर सकते थे उससे कम ही चीज़ आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैम बस यही सजेशन देना चाहूँगा, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, रिवीजन भी अच्छे से हो चुकी है, वो दिन में 3 मॉक दें 4 मॉक दें 6 मॉक दें, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वो वैसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और एग्ज़ाम टीयर 1 आराम से क्लियर कर लेंगे। जो लोग लर्निंग फेज में चल रहे हैं,
ठीक है, जिन्होंने अभी से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, सिलेबस फटाफट से जल्दी जल्दी वीडियोस देखी हैं, उनकी रिवीजन भी प्रॉपर नहीं है, तो उन्हें बस ये सजेशन दूंगा, दिन में एक मॉक से ज़्यादा मत दो। एग्जाम डे से पहले दिन अवॉइड करना मॉक देने का, ठीक है। और अगर आपको लगता है प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी है, अभी 100-110 नंबर ही आ पा रहे हैं, ठीक है, तैयारी भी ठीक नहीं है, तो डेली मॉक की भी जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डे पे आप मॉक दे लो, ठीक है। कोशिश करो मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे पाओ, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिससे कि टाइमली हम क्वेश्चंस को कर पाएं। तो मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट आप डेली दे सकते हैं, मतलब एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दिया, एक पीवाईक्यू मॉक दिया, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का पर्पस समझना आपको ज़रूरी है, तभी उस चीज़ का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वैरायटी ऑफ मॉक्स आप ट्राई करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यूज मॉक्स भी होने चाहिए, न्यू मॉक्स भी होने चाहिए, हर एक कॉम्बिनेशन आपके लिए सही रहता है। लेकिन सिर्फ मॉक्स पे बेस्ड होकर आप तैयारी करेंगे तो आप वहाँ पे गलती करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी एनआर रीजन से रिलेटेड, कि अभी एडमिट कार्ड में स्टेटस आया तो काफ़ी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा था, तो मैंने कहा था एसएससी के एंड पे एरर है और मोस्ट प्रोबेबली वो उसे रिजोल्व भी कर देंगे। तो आज कुछ बच्चे एसएससी ऑफिस में भी गए होंगे, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके ये बताया कि सर एसएससी को पता है कि उनकी गलती है, हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया और मोस्ट प्रोबेबली रिवाइज एडमिट कार्ड स्टेटस उन बच्चों को आएगा जिनका फिलहाल फॉर्म रिजेक्ट किया है गलत रीजंस की वजह से। जैसे कुछ बच्चों ने कैप नहीं लगा रखी थी, उन्हें कह दिया था कि आपने कैप लगा रखी है इसलिए फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कुछ सिख कम्युनिटी के लोग थे, शायद उन्होंने टर्बन पहनी हुई थी तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी लोगों का मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, तो आप एनआर रीजन की वेबसाइट को एक बार चेक करते रहें, ठीक है। और ये भी एक बच्चे ने बताया कि शायद इन सभी लोगों का एग्जाम 20 तारीख के बाद दिया जाएगा, मतलब एंडिंग डेज में आएगा, तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन आप रीजनल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें। और अगर आपका भी फॉर्म गलत तरीके से आपको लगता है रिजेक्ट किया है एनआर रीजन में, तो आप उनकी जो रीजनल ईमेल एड्रेस है उस पर अपनी क्वेरी आप भेज दीजिए, जिससे कि आपका केस रिजोल्व हो सके, ऐसा ना हो कि आपका छुट्टी जाए, ठीक है। बाकी आई होप किसी का भी गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और लास्ट स्टेज है आपके एग्ज़ाम में, इसे बड़े जुडिशियसली आप यूज करो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो अपनी, और जितना रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ का उतना ही आप उसमें मेहनत करो, ठीक है। और रिवीजन के बिना देखो एग्ज़ाम में आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, तो कोशिश करो मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए रखो। ये देखो कि कौन सा जो क्लास यूट्यूब पे अभी मेरी भी आएंगी, काफ़ी सारे टीचर्स की ऑलरेडी आई रही हैं, कौन सी क्लास आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो देखो, जो ज़रूरी नहीं है उसे स्किप करो। ज़रूरी नहीं है सारी क्लासेस आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं, तो आपको ये फ़िल्टर करना आना चाहिए क्या कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है, क्या कंटेंट आपके लिए नहीं है। मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है, आप श्योर हैं उसके अंदर, तो उस टॉपिक को आपको दोबारा से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार बहुत सारी वीडियोस देखने से, बिंज वॉचिंग करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप जो आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पढ़ रखा है उसका ही रिवीजन नहीं कर पाए आप, तो ठीक है। तो आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।